हेलो गाइस, आज हमारा है मूवी देखने का प्रोग्राम और हम सुबह गए हैं जिम और हम लोगों ने थोड़ी सी की है मस्ती, बनाए हैं वीडियो और बहुत मज़ा आता है सुबह में। ये प्रगति है, बहुत छोटी है मुझसे लेकिन साथ पूरा फ्रेंडशिप वाला इसका रहता है। और ये मैंने घर में आके नाश्ता बनाया है, आज मैंने काले चने बनाए हैं और इनके साथ मैंने वही खीरा और टमाटर नींबू प्याज और इसी को खा के मैं जाऊँगी। और क्योंकि मुझे 3 घंटा मूवी देखने में बैठना पड़ेगा, मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी इसलिए मैं कुछ हैवी खा रही हूँ। मैं हो गई हूँ तैयार नाश्ता बना करके और मैं जाऊंगी अपनी फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने। हम लोग जा रहे हैं द केरला स्टोरी देखने। आ गई हैं रोली, प्रीता जी, अलका जी, हम लोग चारों लोग जा रहे हैं ओला करके और फन में हम लोग देखेंगे जा करके। फन यहाँ का लखनऊ का बहुत अच्छा मॉल है, गोमती नगर में पड़ता है और हम लोग जा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है इसलिए मैंने सबको दिखाया है। और द केरला स्टोरी इस समय विवादित मूवी ज़रूर है पर बहुत अच्छी मूवी है। जब भी आप जाएं देखें ज़रूर, बच्चों को ज़रूर दिखाएं, अपनी बेटियों को ज़रूर दिखाएं, जो इस पर मैं विशेष जोर दूँगी। हम लोग बैठ गए अपनी सीट पे और राष्ट्रीय गान हुआ है, अब मूवी होने जा रही है शुरू। घंटे कुछ मिनट की मूवी है और हम लोग देख के निकल आए हैं। बहुत मूड वैसा था, अच्छा नहीं लग रहा था, उसका बच्ची के साथ बहुत वैसा दिखाया है इसमें। और हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल आए, अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, मॉल अपना दिखा रहे हैं लखनऊ का। और मूवी देखने से ही सबको समझ में आएगा कैसी है, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहती, विस्तार में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन हाँ मूवी बहुत सीरियस है और देखने लायक है, बच्चों को विशेष तौर से बच्चियों को दिखाने लायक है। और हम लोगों ने बाहर फ़ोटो खिंचाई है, अलका जी को कुछ सामान लेना था तो उन्होंने, हम लोगों ने मॉल में एंट्री की है, यहाँ कपड़े वगैरह मिल रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग टहल टहल के। और हम लोग फ्री घूम रहे हैं क्योंकि अलका जी शॉपिंग कर रही हैं और हम लोग अपना फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं हम और प्रीता जी। और अब हम जाएंगे घर के लिए, तब तक जब तक टाइम है तब तक हम लोग 2-4 फ़ोटो खींच ले रहे हैं, वीडियो बना ले रहे हैं। और अब घर जाएंगे, फिर नाश्ता खाना बनाना रहेगा और क्योंकि खाना बना के नहीं आए हैं और अभी फटाफट यहाँ से निकलेंगे तीनों चारों लोग और बाहर का कुछ भी नहीं खाएंगे, हम लोग घर ही जा कर एंजॉय करेंगे। ये यहाँ की लिफ्ट है, इसको इस तरह से डेकोरेट किया है, बहुत अच्छी लग रही है, तो मैंने इसका भी वीडियो बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये हम लोग फ्रेंड्स सब इकट्ठा होकर के भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और नीचे एक गाड़ी चल रही है जिसको उस पर क्रिसमस स्टाइल पे बनाया गया है और बच्चों की गर्मी की छुट्टी के हिसाब से बनाया गया है क्योंकि गर्मी की छुट्टी में बाहर से भी बच्चे आते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर गाड़ी है और ये मॉल के अंदर ही अंदर चलेगी तो बच्चों के लिए बाहर भी धूप में नहीं जाना है, ये अंदर ही रहेगी और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग भी इसके पास फ़ोटो खिंचा के आए हैं और ये बहुत अट्रैक्ट कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है हम लोगों को भी, हम लोगों ने भी फ़ोटो खिंचवाई है इसके साथ और बाकी भी हम दोनों चारों पर फ्रेंड ने फ़ोटो खींची है आपस में और पोज दिए हैं बढ़िया बढ़िया। और देखिए इस गाड़ी के साथ भी हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाई है। अलका जी को यहाँ कुछ पसंद आ गया है, लोटस का वो शॉप है और रोली को भी कुछ समझ में आ रहा है। ये तीनों लोग देख रही हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं लेना है और मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है छोटे बच्चों की तरह। और मैं अब घर आ गई हूँ तो मैंने बनाई है दलिया और क्योंकि बाहर का मुझे नहीं कुछ खाना था तो मैंने सारी सब्ज़ियाँ डाल के दलिया बनाई है और हरी चटनी आम की है, पुदीना पड़ी हुई है, मैं इंजॉय करूँगी।